चलिए गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को। तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना बढ़िया से? टेस्ट का तैयारी चल रहा है? नहीं चल रहा है? कर लिए? क्या क्या पढ़ लिए भाई? कल से ही तो है क्या? परसों से? कब से है? परसों से पहला शेड्यूल नहीं है मेरे ख्याल से तो। ठीक है ना? क्या? हाँ तो वहां से देना ना। चलिए तो हम लोग बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे। अब बुद्धि परीक्षण में हमारा एक क्लास हुआ था। ये वाला जो टॉपिक है ये आपके वर्ग 2, वर्ग 3 और हॉस्टल वार्डन की भी अगर कोई तैयारी कर रहा होगा उसके लिए भी कॉमन है। उनके सिलेबस अभी आप लोग का जो बाल मनोविज्ञान करके सिलेबस बनाया गया है उसे 5 यूनिट डाला गया है, जो कि हमारे सीडीपी वाले पार्ट से उठा के डाले गए हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, समावेशी शिक्षा है, बुद्धि परीक्षण है, ये सब डाल दिया गया उसमें। और सवाल तो पक्का आएंगे। चलिए तो भैया बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे हैं। तो बुद्धि परीक्षण में आप लोग समझिएगा कि पिछले, अभी देखो बुद्धि परीक्षण जो हो रहा है ना हमारा, ये जो इंटेलिजेंसी वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसे हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला अभी हम लोग दूसरा सेक्शन पहले पढ़ ले रहे हैं क्योंकि ये इजी था, न्यूमेरिकली था और आज क्वेश्चन भी बनाएंगे साथ में। तो एक क्लास इसके ऊपर हो रखा है पहले से ही। चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आवाज और वीडियो अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है बता दो। दूसरा सेक्शन में आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, मतलब अभी हम लोग बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मापन और परीक्षण पहले पढ़ रहे हैं और इसके बाद बुद्धि की अवधारणा और सिद्धांत, जिसमें आप लोग अल्फ्रेड अल्फ्रेड बीने, साइमन और जितने भी अलग अलग स्ट्रॉन, इन सबके क्या क्या अपनी अपनी परिभाषाएं रही हैं और भी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं उसको हम सेकेंड फेज में पढ़ेंगे। तो 2 सेक्शन में ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। ठीक है? तो बुद्धि परीक्षण पढ़ा जा रहा है। तो बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है और बुद्धि परीक्षण के आधार पर ही बुद्धि, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, IQ, क्या कहते हैं सर, IQ, IQ ज्ञात की जाती है। और ये IQ कैसे है सर, जन्म जात है कि इसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं? सर ये वंशानुक्रम पर आधारित है, जन्म जात है। हाँ ज्ञान जो है वो हम बढ़ा या घटा सकते हैं परिश्रम करके। ठीक है सर? तो बुद्धि लब्धि जिसे इंटेलिजेंट क्यूशेंट, IQ इंटेलिजेंट क्यूशेंट कहते हैं, का संप्रत्यय किसने दिया, टर्मन ने दिया था। जबकि जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में, ये डेट याद रख लेना, कई बार ना ऐसा उड़ासू क्वेश्चन भी पूछ देता है, भैया बीने ने कब अपना सिद्धांत दिया था, 1900, जिसमें आप लोगों को पता है बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया था, किसने किया था, तो भैया बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया था साइमन और अल्फ्रेड बीने, दोनों मिलकर किए थे, जिसमें अल्फ्रेड बीने मेन था, साइमन उसका स्टूडेंट था। उसके बाद कौन सा सन आ रहा है, 1912। 1912 में पहले क्या दिया, स्टर्न ने अपना सूत्र दिया। ये इतना स्टर्न का सूत्र है, किसका सूत्र है, स्टर्न, कि भैया मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि का अनुपात हम लोग लेंगे तो भैया वो कहलाएगा आप लोग की बुद्धि परीक्षण का मतलब IQ लेवल, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में किसने कन्वर्ट कर दिया, टर्मन ने। तो ये दोनों का डिफरेंस है। कई बार इसमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो अपने को तैयार रहना है। मानसिक बुद्धि मतलब मेंटल एज और ये क्या है हमारी रियल एज, वास्तविक बुद्धि। ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये पिछले क्लासेस जो भी हमने पढ़ा था एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अभी आज के क्लास में हमको MCQ लगाना है। तैयार तो रखेंगे, 25-30 स्टॉक बड़ा बड़ा MCQ आएगा। ओके जी। तो अगर किसी की बुद्धि लब्धि जो है IQ 140 के ऊपर है तो भैया वो पर्सन क्या है, जीनियस है, मतलब कि सर प्रतिभाशाली है। और अगर 121 से 140, किताबों में शुरू शुरू में आपने 130 तक पढ़ा था, कोई बात नहीं 140 का स्लॉट मान लो, तो 121 से 140 अलग अलग किताब अलग अलग छापते भी रहते हैं, तो भैया वो क्या है, उसमें लगभग 5%, हमने उस समय कितना पढ़ा था, 7%, इसमें 2%, 7%, 16%, 50%, 16% ऐसे करके दिया है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दिख जाती हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें किसका देखना था, तो टर्मन का टेबल। और टर्मन के टेबल को मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको बताया था कि 130 IQ के ऊपर पूरी दुनिया में केवल 2% लोग पाए जाएंगे और 70 के नीचे भी उसने क्या बोला था, 2%, फिर 120 से 130-140 के बीच में 7, और 120 से 130 के बीच में
इस तरीके से उसने 90 से लेकर 120 के बीच में, 110 के बीच में सबसे ज्यादा माना, सॉरी मैंने 120 से 130 बोला, उसमें कितना है, 7% पॉपुलेशन, और 111 से लेकर 120 के बीच में 16%, 91 से लेके 100 110 के बीच में हमने पूरी आधी दुनिया मान ली थी उसमें, ठीक है। तो बस वही सारे स्लॉट हैं, आप टर्मर वाला मेन मानना, ये सब थोड़े से अदर वाले जुड़ गए हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताते समय बताया भी था कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से कुछ और हो जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे बुद्धू दोनों लोग पाए जाते हैं, ऐसा उन्होंने अपने टेबल में बताया है। तो ये चीजें आप लोगों को पता है कि भी 121 से 140 क्या है, सुपीरियर है, और 110 से 120 तक एबव एवरेज, 91 से 110 तक एवरेज, मतलब सामान्य बुद्धि वाले हम सभी लोग, 91 से सॉरी 81 से न, नहीं मैं हम सभी लोग नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई एक आध 130 उस वाला बैठा हो, ठीक है। तो इसलिए सरला लहरे जी आप एकदम निश्चिंत रहिए मैम, मैं तो SST की और भी फैकल्टीज जोड़ रहा हूँ लगातार, आप लोग ये सारे सब्जेक्ट मांग रहे हैं, हमने सारे सब्जेक्ट में ज्यादातर अभी पढ़ाया शुरू भी कर दिया है, और जो पैडागॉजी वाला जो पार्ट है वो भी शुरू हो रहा है धीरे से, पैडागॉजी बोल रहा, चलो पढ़ने दो। अभी अल्फ्रेड बीने ने 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, और बाद में बुद्धि को मापने के लिए अनेक परीक्षण बनाए, और उन्हें बनाने का क्रम आज भी पूरी विश्व में वही चल रहा है। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो सर क्रियान्वयन या प्रशासन के आधार पर देखा जाए तो दो भाग में बांटा गया, व्यक्तिगत बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या पॉइंट्स हैं, इन सबको हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, याद है नहीं है? सामूहिक बुद्धि का एक एग्जाम्पल दीजिए, आर्मी अल्फा परीक्षण, और व्यक्तिगत बुद्धि इंटरव्यू। इंटरव्यू जब होता है किसी भी सर्विस में तो आपको पता है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है उसमें, ठीक है, कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसमें जो परिणाम है ज्यादा सटीक आते हैं। पढ़ो रिविजन नहीं किया हो, ठीक है, वाह, दो तो ऑप्शन है मैडम, एक तो गलत हो गया तो एक सही होगा, ठीक है। उसको और क्या क्या पॉइंट थे भैया, व्यक्तिगत बुद्धि और सामाजिक बुद्धि में हमने 5-6 पॉइंट डिफरेंस लिखे थे, उसको रिवाइज किया कीजिए, अभी MCQ बनाऊंगा ना फिर। दूसरा है सर पदों या प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, इसमें आपका शाब्दिक बुद्धि और अशाब्दिक बुद्धि, इसके बीच में भी हमने डिफरेंसेस देखे थे, बस मैं एक ओवरव्यू करा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी MCQ डील करना है, तो रिविजन चल रहा है हमारा। दूसरा क्रियात्मक बुद्धि और अभाषाई बुद्धि, क्या क्या पॉइंट्स हैं, डिंग के बीच का डिफरेंसेस क्या है, सारी बातें क्लियर है। तीसरा अन्य के आधार पे, मतलब अदर कौन कौन से फैक्टर है, उस भी आप पे अगर हम लोग इंटेलिजेंसी को बांटेंगे तो क्या होंगे, गति बुद्धि परीक्षण और शक्ति बुद्धि परीक्षण, ठीक है, कौन तेज सोचता है वो इसमें आएगा, और कौन सटीक सोचता है वो इसमें आएगा। बहुत से लोग मैथमेटिक्स में बहुत तेज बनाते हैं पर जरूरी नहीं है कि वो सही बनाते हैं, और ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, नहीं है? हम लोग बनाते तो एकदम पहली फुर्सत में, एकदम तत्काल प्रभाव से है, और फिर निपट के आ जाते हैं आधे नंबर में, यही होता है हमारे साथ परीक्षाओं में। चलिए देख लीजिए एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा ओवर ओवर ऊपर ऊपर से। तो एक समय पर एक ही व्यक्ति का क्रियान्वयन किया जाए, ऐसी बुद्धि को क्या बोलोगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जैसे हमारा पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट होता है, तो ठीक है। अच्छा केवल SST पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 से 3 फैकल्टी और लगेंगे SST में, मतलब मैं हायर कर चुका हूँ एग्जीक्यूशन, क्या है पैनल होना ना थोड़ा सीखने में, कोई भी नया आदमी आता है उसको 5 दिन 2 दिन का समय लगता है, क्योंकि कहाँ कौन, मैं तो आज तक इसको नहीं सीख पाया, 1 महीना हो गया, वो वाला अच्छे से जान रहा हूँ, है ना, ये चीजें हैं, टेक्निकल टीचर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में। हाँ आपका कमेंट देख लिया मैं, थानेश्वरी साहू जी, थानेश्वरी कह रही है CGTET में मैथ्स और साइंस पढ़ना है क्या, अगर वो सोशल साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं, टेट परीक्षा के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 60 नंबर का सोशल साइंस आएगा, परंतु चयन परीक्षा में जरूरत पड़ेगी, बिना मैथ्स का व्यापम पेपर नहीं बनाता, ठीक है, तो ये मान के चलिए।
अच्छा बीने साइमन, इसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं? तो बीने साइमन टेस्ट है, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, कौन दिया है? कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कौन दिया है? तो एक नाम सुनेंगे आप लोग भारतीय मनोवैज्ञानिक का, कौन से भारतीय मनोवैज्ञानिक का नाम बुद्धि वाले चैप्टर में आता है, भाटिया का? किसका आता है? डॉक्टर भाटिया का। ठीक है, नेक्स्ट है एलेक्जेंडर पास एलेन परीक्षण, ये सब क्या है सर? प्रमुख टेस्ट है जो पर्सनालिटी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे बेस्ड है। दूसरा सर सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पर एक साथ प्रकाशित होगा, जिसमें आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, प्रयाग मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एमसी जोशी मानसिक बुद्धि परीक्षण, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है सर, ऐसे मैं नाम लिख दे रहा हूँ और ये अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके मैं लाया हूँ ताकि रिवीजन हो जाए और ये सब सवाल बन के आ जाएगा, पर सवाल ऐसा कोई नहीं बनेगा जो आपका देखा हुआ सुना हुआ पढ़ा हुआ ना रहे, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है, तो जिनके पद या प्रश्न लिखित भाषा या शब्दों में होते हैं, जैसे आप लोग 10वीं तक 12वीं तक जो पेपर दिए हो वो लिखित पेपर होता था, तो वो वर्बल था, शाब्दिक था ना? ठीक है, ऐसे ही आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या पार्ट आता है? डायग्राम्स आते हैं कि इसका इसके साथ जोड़ा बनेगा, ऐसा वो नॉन वर्बल, उसमें कोई लेटर या शब्द नहीं लिखे हैं, भावनाओं की कोई जगह नहीं है, पर शाब्दिक वाले में भावनाओं की जगह होती है। जैसे इसलिए तो अभी भी कल यूपीएससी का रिजल्ट आया आया ना, तो यूपीएससी का रिजल्ट आने से पूरे देश में एक अच्छा 2 दिन के लिए माहौल बन जाता है, किसी की जिंदगी बदल जाती है, वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाता है, बस लिस्ट में नाम होना चाहिए, बात खत्म। खानदान के सारे बूढ़े बुजुर्ग एक साथ जिंदा हो जाते हैं, ये लड़का बहुत टैलेंटेड था, और कल तक बोल रहे होंगे कि निकम्मा नालायक है। तो मुद्दा ये है, उस रिजल्ट में एक चीज हमेशा दिखती है, इस बार हिंदी मीडियम के कितने बच्चे यूपीएससी निकाले? हिंदी मीडियम से इस साल कितने बच्चे निकले? उससे भी कम है सर। ठीक है, सैकड़ों सीटें आती हैं और हिंदी माध्यम वालों का लगातार ग्राफ गिरते जा रहा है, इस बार तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 30 के रेंज में बच्चे निकले हैं ऑल इंडिया से। कारण क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले क्या गलती कर रहे हैं भाई? वो तो ज्यादा मेहनत करते हैं बेचारे। हकीकत है कि हिंदी मीडियम का बच्चा जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, मेहनत भी ज्यादा करता है और लिखने में भी ज्यादा होता है। हिंदी में तो एक एक लेटर ऐसे से लिखना है ना, स लिखना है, फिर उसके बाद सर्वप्रथम लिखना है, हर बार हाथ उठता है, थकता है, ये मसल्स तो है। इंग्लिश में एक बार मारे लपेटा खींच दिया आगे बढ़ गए, तो उसमें हाथ ऐसे ऐसे नहीं हो रहे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए 3,000 लेटर 3 घंटे में लिखना, मतलब वो लोग 5,500 लेटर की ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा मायने रखता है कि आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 3,000 शब्द आप 3 घंटे के अंदर लिख लो, क्योंकि उतना तो आता है क्वेश्चन। पर हिंदी मीडियम में दिक्कत ये हो जा रही है ना कि उनके क्वेश्चन पेपर में ही कई बार ना तमाशा आता है, छोटा छोटा अलग अलग हो जाएगा पॉइंट से। जैसे इंग्लिश में आएगा कि भैया पावर प्लांट पे आप लोग निबंध लिखिए, ठीक है, उसका इन लोग क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करा देते हैं। एक बार का ये रियल स्टोरी है यूपीएससी का, पावर प्लांट आया, पावर प्लांट आप सब लोग समझ गए, जैसे भिलाई स्टील प्लांट एक अपने आप में क्या है, पावर प्लांट, एनटीपीसी क्या है, पावर प्लांट, तो दिमाग वहां गया, बच्चे वहां से लिखना शुरू किया हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, हिंदी में आएगा क्या पता है? पावर प्लांट, प्लांट मतलब पौधा, ये स्टील प्लांट की बात हो रही है, तो उन लोग स्टील को क्या लिखेंगे? इस्पात, और प्लांट को लिख देंगे पौधा, इस्पात पौधा पर निर्भर निबंध लिखो, लिखो, और जो क्वेश्चन आया लिखोगे ना, इस्पात पौधा, हमको पता है अभी स्टील प्लांट का मतलब क्या होता है, पर वो पेपर ऐसा छप के आता है, बेचारे, इनजस्टिस है। ठीक है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है। चलिए, इस्पात पौधा क्या लिखेगा लड़का? मीनिंग ही बदल गया ना। चलिए कोई नहीं, तो कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और हिंदी माध्यम से कर रहा है, उसके लिए दिल से इज्जत आ जाती है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, और देख के थोड़ा दुख भी लगता है, तेरा क्या होगा रे। पर ऐसा नहीं है, पिछले साल तो हिंदी मीडियम से ही टॉप 20 के अंदर आए, बहुत लोग आए हैं, इतने लोग ही आए हैं जिनका नाम आप गिन सकते हो। चलिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है, तो
जिनके पद या प्रश्न लिखित भाषा या शब्द में हो और पढ़े लिखे व्यक्तियों पर प्रशासित किए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे, क्योंकि आपका इसमें लैंग्वेज के टर्म्स में आ रही है चीजें। और बेसिकली इन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा, कौन कौन से, तो शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को इंक्लूड कर रहा है। इंडिविजुअल में एक व्यक्ति पर प्रकाशित होगा, ये समूह में प्रकाशित होगा। प्रश्नों में शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इससे भी प्रश्नों में शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तभी तो शाब्दिक नाम दिया जा रहा है। तीसरा है मुख्य उदाहरण में बीन साइमन टेस्ट आएगा, इसमें कौन आएगा? सर ये आर्मी अल्फा टेस्ट है। आर्मी अल्फा, आर्मी क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे क्या है? ग्रुप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट है सर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो किस पे लगेगा सर? समूह व व्यक्तित्व दोनों पर प्रकाशित होगा, इंडिविजुअल भी होगा और ग्रुप पर भी बेस्ड रहेगा। प्रश्न या पद अशाब्दिक भाषा का प्रयोग, मतलब प्रश्न या जो पद हैं वो सर कोई लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, उसमें भाषा का प्रयोग वर्जित रहेगा, अमान्य रहेगा। समझ में आया? तो ये अलग सेक्शन है, यहाँ से अलग पॉइंट है, भाषा का प्रयोग नहीं होता इसमें। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या रहेंगे? अशाब्दिक रहेंगे। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर एक फोटो दिखा दूंगा, कोई मूवी का एक क्लिप दिखा दिया, और फिर मैं आपसे बोलूंगा इसके ऊपर आप अपने विचार रखिए, तो वो अशाब्दिक हो गया ना। बिना साउंड का अगर कोई क्लिप दिखा देंगे आप, जैसे जंगल में शेर दिखा दिए, अब सारे लोग उसमें अपना अपना ओपिनियन रखेंगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई नरभक्षी बोल लेगा, अलग अलग सेक्शन होगा। ठीक है, सर आने वाले सहायक शिक्षक में कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा? अभी से एकदम परेशान हो गए भाई, कट ऑफ मार्क्स जब तक पेपर नहीं हो जाता कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा। हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा, आप 100 लाइए और एकदम निश्चिंत रहिए, 100 टच कर गए सो जाना, ठीक है, आप लिस्ट में जरूर रहोगे, पर 100 लाने के लिए अपने को 100-150 की तैयारी करनी है। बोलो 150 लाने के लिए कितनी करनी है? लाई नहीं पाओगे, व्यापम जिंदाबाद। नहीं अब कम ज्यादा होंगे, अभी मैं कल करा रहा था, कल मेरी एक क्लास वर्ग 3 वाले जगह थे क्या, कल की रात को क्लास चालू हुई थी ना 2:30 बजे से, और 2:30 से 4 क्लास चली है कल। फिर मैं और सोचा और चालू करूंगा, फिर थोड़ा सा मैं ऐसे लेटा तो नींद पकड़ लिया, फिर 6 बज जग गया। तो वर्ग 3 में कल इन्वायरमेंट की क्लास रात को 2:30 बजे से चालू हुई थी, और बकायदा बच्चे बैठे थे, एक जने उसमें प्यारे से आके बोलता है ये क्या सर, ये क्या कर रहे हो? मैं बोला पढ़ते हैं, अब बड़ी अच्छी क्लास है, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि जितने लोग थे उतने लोग हटे, वो पूरे अंत तक 1 घंटा पढ़ के गए हैं भाई। मेरे को भी बड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ कोई कौए मेरे साथ भी जग रहे हैं, हम लोग चील चमगादड़ बन रहे हैं। आज भी रहेगा, आज तो 6-7 क्लास रहेगा पूरे रात भर में, ठीक है। तो निर्देश और प्रकाशन में भाषा, चित्र, अभिनय और हाव भाव का प्रयोग रहेगा। अरे कल वो दोस्त के उसमें चले गया था, देखो ना मेहंदी हल्दी लगाया, सॉरी मेहंदी बोल रहा हूँ, मेरे को अंतर नहीं पता। तो रात को आई हम लोग 1 बजे, तो फिर मैं 2 बजे से 2:30 बजे से क्लास चालू किया, ठीक है। भाषा का नहीं होता है यूज, और वस्तुओं को जोड़ तोड़ कर आकृति बनानी होती है, नॉन वर्बल वाला सेक्शन है। पहेली, नाम, सेगुएन फॉर्म, बोर्ड, ये सब इसमें क्या होता है? यूज हो रहा है, ठीक है। कोहस ब्लॉक, एलेक्जेंडर पास एलम मुख्य इसके क्या है सर? उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रियात्मक बुद्धि के बाद अभाषाई बुद्धि परीक्षण, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन आप लोगे। कभी अभाषाई में भाषा का प्रयोग नहीं होगा, निर्देश में भी भाषा का प्रयोग, जैसे लिखा जाता है ना कि किन्हीं 4 प्रश्नों को बनाया, वो भी नहीं लिखा रहेगा, भाषा के टर्म्स में कुछ लिखा ही नहीं रहेगा। जोड़ तोड़ कर ड्राइंग के आधार पर बनाना होगा, बचपन में ये किए भी होगे ना, आगे पीछे 2 रहता था तो पीछे से आप लोग किसी कंट्री का मैप ऊपर रहता था तो उसको मैच करते हुए नई आकृति, इधर इंडिया जोड़ रहे हैं सामने से हाथी निकल रहा है, ठीक है। संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल, सॉरी इसमें कौन कौन से वो आएंगे, तो संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल निर्मित, ड्रॉ मैन परीक्षण गुडेनक द्वारा निर्मित मुख्य इसके क्या है सर? उदाहरण है। तो सब उदाहरण भी जरूर डाला हो ना, ये पीपीटी में भेज दूंगा आप लोग को,
अपने कॉपी में लिख के रखना, क्योंकि ऐसे बोल देगा बस, ड्रॉ मैन परीक्षण किसके अंतर्गत सम्मिलित है, अगर टफ पेपर बनाएगा तब की बात है, इजी पेपर में तो नहीं आएगा। तो सर आभाषाई बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, ठीक है। अपने को हर स्तर से तैयार रहना है, इजी हो या टफ हो। रवि पटेल बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन आया था, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी जाएगा। गति बुद्धि परीक्षण, जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या रहेगा और प्रश्नों की संख्या अधिक होने पर दिए गए समय में सभी प्रश्नों को हल करना मुश्किल होता है। आपका पेपर स्पेशली पीजीटी वाले मेहनत पूरा करके जाएंगे। बताओ मैथ्स का पेपर 100 क्वेश्चन आ रहा है पीजीटी लेवल में, पीजीटी मैथ्स में, और 50 क्वेश्चन आपके सीडीपी वाले भी रहेंगे उसमें मिला जुला के, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन तो लेगा ही लेगा। क्या फ्रेम किया गया है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पीजीटी लेवल का मैथ्स। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आदमी उसे बना लिया, हकीकत है ये, तो उसे शिक्षक मत बोलो, उसे परमात्मा का दूत मान लो। सही बात है भाई, पीजीटी लेवल का अगर मैथ्स कोई 100 क्वेश्चन बना रहा है, एसएससी सीजीएल नहीं है ये, यहाँ एक एक क्वेश्चन मतलब धुआंधाए हैं। लेवल तो इन लोग कम करते ही नहीं है, कॉपी उठा के डालते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स का, इसलिए मैथ्स का कट ऑफ सबसे नीचे जाता है। मतलब 78-80 नंबर पे तो रैंक वन आ जा रहा है, ये 85 मान के चल लो। तो भैया ऐसे प्रश्नों में क्या होगा कि आदमी पूरे प्रश्न सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। गतिक बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है, इसमें टाइम बाउंडेशन टेस्ट होता है, एसएससी के सारे एग्जाम इसके एग्जाम्पल है। 1 घंटे में 100 प्रश्न, अलग अलग कैटेगरी के, हिंदी भी रहेगा, सॉरी इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में मायने रखता है, और असली खेल उसमें टाइमिंग का है, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल दिया था तो मैं ओनली 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था सर, 22 तो मेरे से छूट गए थे, और तब मेरे 134 स्कोर आ गए थे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर था। जनरल का कटअप 137 चले गया था, तब बहुत छोटी उम्र में भी था मैं। तो ये थोड़ा सा है कि भैया अगर मैं 22 में 2-4 ठोक और सही निकाल लिए रहता या पढ़ ही लिए रहता तो आराम से ये पार करके रहता मैं, 137 3 नंबर से तो था। तो ये चीज है भैया, हालांकि उसके बाद लाइफ ऐसा बिजी हुआ कि आदमी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। चलिए, जितने अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है उसी के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है, और बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति से है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उदाहरण में लिख लेना एसएससी का पेपर, ठीक है, उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है। चलिए ध्यान से देखिए, शक्ति बुद्धि परीक्षण, अभी आपने गति बुद्धि परीक्षण देखा, अब इसमें आप लोग की मेंटल स्ट्रेंथ की टेस्टिंग होगी। इसमें कौन सा पेपर आएगा, आईआईटी एडवांस का पेपर, मानसिक बुद्धि की तह तक उतार देते हैं उन लोग। चलिए, इनके प्रश्न पद सरल, कठिन और अधिक कठिन, और अंत में सबसे अधिक कठिन क्रम में होते हैं। जैसे कोई भी जेई का पेपर हो रहा है, आपको पता है इजी मॉडरेट और एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जिनको हम लोग नाम देते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स, मतलब दिमाग की दही और कुछ नहीं। किस स्तर तक प्रश्नों को सही सही हल किया बुद्धि को इस आधार पर नापा जाता है। कितना तेज बनाया सेकेंडरी है, कितना आप सही सही बना लिए वो मैटर करता है, जिसमें आप लोग का कौन सा आएगा एग्जाम्पल, एलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ठीक है। तो इसकी तुलना आप लोग नीट नहीं बोलूंगा, क्योंकि नीट का पेपर टफ नहीं रहता है, कंपटीशन टफ है, पर आईआईटी एडवांस जरूर बोलूंगा, क्योंकि उसका पेपर मैं मानता हूं एक 16-18 साल के बच्चों के मानवीय अधिकारों का हनन है, क्योंकि दुनिया का सबसे टफ पेपर है वो। आप किसी एनआईटी से ग्रेजुएट भी कर चुके हो, इंजीनियर बन चुके हो, तब भी आप आईआईटी एडवांस का पूरा फिजिक्स और मैथ्स नहीं बनाओगे जो 12वीं स्तर पे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, और व्यक्तिगत तो सामूहिक परीक्षण में अंतर पिछले क्लास में हो गया था हमारा, ये पढ़ चुके हो। चलो, शाब्दिक और अशाब्दिक के बीच का अंतर भी हो गया था, नहीं हुआ था सर। पद या प्रश्न की संख्या भाषा में प्रयोग में आएगी, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होगा, चित्र और सामग्री का प्रयोग होगा। इसमें आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इसमें चित्र या इमेज देख के अगर अपने को टिप्पणी करनी है, ऐसा शेर दिखा दिया मैं, तो आपका पढ़ा लिखा डिग्री लेना जरूरी है क्या,
ठीक है, उत्तर भाषा के माध्यम से ही देते हैं, उत्तर चित्रपूर्ण करके या कोई आकृति बनाकर या वस्तु को छांटकर दिया जाता है। मंद बुद्धि, गूंगे और बहरों पर भी ये प्रयोग नहीं होगा, ये इन सभी पे प्रयोग हो सकता है। आंख से तो दिख रहा है ना उसको, तो ये सर हमने कर लिया रिवीजन। ठीक है भाई जी, अब आते हैं हम लोग आगे, ध्यान देंगे। एमसीक्यू अभी हम लोग बनाएंगे, तो सब लोग तैयार हैं? चलिए, तुरंत तुरंत एमसीक्यू उड़ाना है। कमल जी बोल रहे हैं सर स्मार्ट लग रहे हैं आप, तरस गया था मेरा ये चीज कान सुनना, ये सुनने के लिए मेरे कान। लाइट चालू कर दो, और स्मार्ट लगना है मुझे। चलिए आइए, अंधेरे में पढ़ा रहे, आधे लोग तो यही सोचते होंगे। अभी पता नहीं है, गलती से मैं नन्हे कॉफी सेंटर चले गया था, अभी सिविक सेंटर में दोस्त के साथ, वहां उतने देर में 8-10 लोग आ गए। मेरा दोस्त बोलता है तुम मत बाहर निकला कर, और मेरे साथ कभी मत निकलना। ऐसे एक बार एक एग्जाम सेंटर पे चले गया था मैं, मतलब जबकि आज से 1.5 साल पहले की बात है, तो भी एकदम अच्छे खासे बच्चे घेर के फोटो वोटो खींचे। अब अपने अमिताभ बच्चन फीलिंग आता है, पता है, मैं किसी को मना नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक मोहतरमा थी, ये सारे बच्चे यही चीज बोलते हैं, सर आप ना वीडियो में बिल्कुल अलग दिखते हो और ऐसे बिल्कुल अलग दिखते हो। मैं बोला हाँ, वीडियो में तो मैं निग्रो काला दिख रहा हूँ, लग रहा है घाना के जंगलों से भाग के आया हूँ। चलिए, काला गोरा होना कोई मायने नहीं रखता। हम लोग को बचपन में ना गांव में सिखाते थे, पता है, लड़कियों में रूप और लड़कों में क्या देखा जाता है, गुण। ठीक है, चलिए, बीने साइमन का प्रत्यय दिया था, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ढूंढ ढूंढ मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ये तो मैंने केबीसी के नाम पे धब्बा कर दिया, खुद ही क्वेश्चन आंसर रिप्लाई कर दिया। कौन सा आंसर हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दूसरा, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक किया था, गिलफोर्ड किया था, स्पीयरमैन किया था या बीने साइमन किया था? एक बात समझिएगा कि सर ये जो बुद्धि वाला जो चैप्टर है ना, इसमें बड़े सारे मनोवैज्ञानिक आएंगे। अभी तक आपने बुद्धि परीक्षण पढ़ा है, जिसमें आपने बीने को पढ़ा, बीने साइमन एक साथ, आपने किसको पढ़ा, स्टर्न और टर्मन, ये 2-3 नाम आपने देखे। आप जब बुद्धि की अवधारणा और सिद्धांत पढ़ने जाओगे ना सर, तब भर भर के आएंगे कम से कम 10-12 नाम। जैसे एक नाम आया सर थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुखंड बुद्धि का प्रणेता। क्या कहते हैं सर? ये बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। ऐसे ही आपसे बोला जाएगा गिलफोर्ड, क्या था, त्रि आयामी बुद्धि। क्या बोलेंगे? त्रि आयामी बुद्धि। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बात किया गया स्पियरमैन, मैंने नाम दिया स्पाइडरमैन, दो अक्षरों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, द्वि कारक बुद्धि या द्विस्तरीय बुद्धि बोल सकते हो, या त्रिकारक बुद्धि। ठीक है, द्वि कारक बुद्धि, त्रिकारक बुद्धि के प्रणेता कौन है भैया? स्पीयरमैन है। ऐसे ही बीने, बीने क्या है, एक खंड बुद्धि, इसको भी द्वि खंड बुद्धि बोल सकते हो, त्रिखंड बुद्धि बोल सकते हो, या कई बार कारक लिख देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये कई चीज है वो। तो ये क्या दिया था सर, एक खंड बुद्धि, और साथ ही साथ में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले इसी बंदे ने किया था। और आज के क्लास में आपने ये बात पढ़ा था कि जो इसने क्रम बताया वर्तमान समय में भी वही यूज किया जाता है। समझ में आई बात है? तो चारों ऑप्शन के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। सवाल है, किसने सबसे पहले बुद्धि पर परीक्षण किया? डेविड वेस्टलर, अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? तो सर ये हो जाएंगे अल्फ्रेड बीने। बाकी सारे नामों के बारे में भी जानते हो भैया, वेस्टलर ने कितने भागों में बांटा था बुद्धि को, दो खंड बनाए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव था और एक जो भी था अशाब्दिक वाले में था, उसमें भी उसने सेक्शंस बनाए। और मैं बोला था कि इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, अरे लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या? ठीक है, चलो
जाके एक बार उसको करिएगा, रिवाइज करिएगा। आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? बेस ईयर, बेस एज, ये वर्ड आया था कल के क्लास में, लास्ट के क्लास में। बेस एज किस चीज से संबंधित है? रुचि से, उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से, या बुद्धि से, या अवधान से? तो सर बुद्धि से संबंधित है। और बेस एज का अर्थ होता है कि आप कितने सक्षम हो वर्तमान समय के अनुसार। उसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भैया नर्सरी और एलकेजी के बच्चे को आप बटा पर कर जोड़ और घटाओ तो सिखाओगे नहीं, या उसे सीडीपी तो ले जाकर पढ़ाओगे नहीं, तो खुद आओ, बोध है बेचारा। अरे उसमें बोध है क्या? नैतिक बोध, और उसको नैतिकता का आप चैप्टर पढ़ा रहे हो। तो वो उसकी बेस एज है कि वो कितना मेच्योर या कितना चीजों को ग्रहण करने में सक्षम है। चलिए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी जवाब देना है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय, तो संप्रत्यय विकसित किया था सर, ऑप्शन में है टर्मन। आरबी केटल ने क्या दिया था? तरल एवं ठोस, और प्रतिकारक मतलब रेजिस्टिव और एडॉप्टिव, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आरवी कैटल का था। अगला सवाल, बुद्धि लब्धि किस पर निर्भर कर रही है? मानसिक आयु, इमोशनल एज, रियल एज, या सोशल एज? तो सर न्यूमिनेटर में कौन बैठा है? मेंटल एज। छोटे बच्चों की भी आईक्यू ज्यादा हो सकती है और बड़े लोगों की आईक्यू भी कम हो सकती है, ठीक है जी? बिल्कुल, ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है सटीक जवाब। अगला सवाल, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, ये आया हुआ प्रश्न है ना सर, ये सीजी टेट में 2 से 3 बार रिपीट किया है, ठीक है? और ये जो टेट का पेपर हो रहा है ना, इसमें भी सीडीपी बढ़िया लेवल का पूछ रहा है, तो आप वही हम लोग सॉल्यूशन भी करा ही रहे। ये सही होगा क्या? ये भी नहीं होगा? वास्तविक आयु ही होगा क्या? ये भी होगा क्या? हाँ, ये उल्टा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई डालो। मेंटल एज डिवाइडेड बाई इनटू, ये उल्टा दे दिया है, ये बोलता है वास्तविक आयु। अच्छा, ये ना एक्चुअल में यहाँ लिखना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन नंबर ई बना के सही आंसर ले लिए, हम तो कॉन्फिडेंट है ना कि हम सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर ई। ओके जी, डेफिनेटली। कौन दिया था? टर्मन दिया था। बुद्धि लब्धि के, अच्छा नहीं, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तब टर्मन मानना ना। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कौन सत्य है? बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब मेंटल एज के इनवर्स रिलेशन में है, गलत हो गया। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, मतलब टाइम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यह कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है, यह बौद्धिक और कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता। तो सर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर फिर ऑप्शन नंबर डी ले लिया जाएगा, ठीक है? कई बार हमारी बुद्धि जो रहती है ना, वो समय के साथ बढ़ती भी है। जैसे आपने ये बात सुना होगा, और इस साल का पेपर में आया हुआ प्रश्न था कि 5 साल से नीचे के बालकों में कितना प्रतिशत मस्तिष्क का दिमाग या विकास हो जाता है, तो आंसर लिया गया था व्यापम की ओर 85%। एक हॉर्लिक्स का एड आता है, हॉर्लिक्स का एक प्रचार आता है, उसमें भी ये बताया गया है कि 5 साल से नीचे की आयु में लगभग बच्चों का 90% दिमाग का विकास हो जाता है, क्योंकि उनको अपना हॉर्लिक्स बेचना था करके उन लोग 5% ज्यादा बढ़ा दिए थे। अब इस चक्कर में कोई आंसर लो 90 ऑप्शन में भी था, और किसी को हॉर्लिक्स याद आया होगा, लगा दिया होगा 90, नहीं वो तो सही बोले होंगे, व्यापम गलत ठहरा दिया, बाहर हो गए, ठीक है? तो ये चीजें हैं, तो आप ये बात समझ रहे हो कि 5 साल की उम्र तक अगर 85% हो रहा है, तो उसके बाद ही ना 15% होगा। तो जो हमारा बुद्धि है वो कहीं ना कहीं हमारे कालानुक्रमिक आयु पर भी निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है? शुरू में तो 100 नहीं हो जा रहे पहले दिन से, समय के साथ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सी आप इसलिए नहीं ले सकते ना कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि सर पहले तो बढ़ रहा है ना, 0 से 5 में बढ़ रहा है, फिर और बढ़ेगा, फिर एक सेचुरेशन लिमिट तक जाएगा, उसके बाद वो घटना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में आपको पता है इंसान सोचने, समझने, स्मरण करने, सुनने, इन सब की क्षमता क्या हो जाती है? घटने लग जाती है, ठीक है? हम पहले जैसे एकदम जो अभी
कर पा रहे हैं, ये आज से कुछ सालों बाद नहीं होगा। इसलिए अब की बार आखिरी बार वाला सीन है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा हमारी बौद्धिक स्तर घट रही है। जैसे मैं स्वयं में भी ये महसूस करता हूँ कि आज से 3 साल पहले जो लड़का था और आज जो लड़का है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, पर ये चीज अच्छी है कि आज से 3 साल पहले मेरा मेहनत अच्छा था, समय कम बर्बाद किए हैं, इसलिए थोड़ा प्रोडक्टिविटी अभी की गाड़ी खींच जा रही है। पर अभी अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो बाद की गाड़ी खींचने में दिक्कत जाएगा। डीने साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है सामान्य बुद्धि का मापन, विशिष्ट बुद्धि का मापन, अभिवृत्ति मतलब उसके मनो अभिवृत्ति का मापन या अभि क्षमता का मापन। सर, सामान्य बुद्धि का मापन, आईक्यू मेजर करते हो, एक आईक्यू आएगा, इसके अलावा आपका शैक्षिक बुद्धि भी आता है, एजुकेशनल क्वेश्चन वो अलग होता है, ये कौन सा है, मेंटल क्वेश्चन, तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो दो दो तीन तीन अलग अलग चीजें हैं। आप जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ोगे ना, तो वहां पर शैक्षिक बुद्धि करके एक अलग आएगा। चलिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए जाना जाता है? तो सर अभी हमने पढ़ रखा था ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि मापन में भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने चरण हैं या कितने उप परीक्षण है? तो सर 5 हैं। ठीक है, चलिए, भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित है, इसका थ्योरी नहीं है पर एमसीक्यू से ही काम चला लो। कितने हैं, रिपीट करके ये क्वेश्चन। अगला, कि भैया स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का? तो जल्द जवाब हो जाएगा, इट्स अ एक्सपेरिमेंट या इट्स अ टेस्ट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। अगला, किस बुद्धि लब्धि का स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? ये सब सवाल आएगा, ठीक है, आपसे ले लेगा प्रतिभाशाली बालक के लिए कौन सा कथन सही है और आप लोग को ये स्लॉट डाल देगा। तो आप बताइए, सबका बताइए, भैया ये क्या है? 70 के नीचे न जड़ था, मंद बुद्धि कब था, 90 के नीचे वाला था क्या, वो अल्प था, 80 के नीचे, ये मंद वाले में जाएगा ना, 80 से 70 का जो है, 80 से 90, 90 के ऊपर सामान्य। अरे स्लॉट पूरा याद करो कि एबव 130 या 140 क्या था, प्रतिभाशाली। चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ, हम लोग को लगता है कि हमको सब आता है बट एग्जाम में ये छोटा छोटा चीज ना, आप मारोगे तो जरूर क्योंकि पढ़े हो बट वहां पे थोड़ा सा सेक्शन में ना एरर हो जाएगा, नेगेटिव खा जाओगे। साथ में बताइए, 140 के ऊपर प्रतिभाशाली, 120 या 130, इसको 130 ही मान लो। अरे ठीक है, 121 है, तो 121 से 130 या 140 जो भी रखना, इसमें क्या आएगा, सुपीरियर आएंगे। कैसे आएंगे, सुपीरियर। ओके, अब 100 कहां से, 111 से लेके 120 तक में आप किसको लोगे, एवा एवरेज किसको लोगे? इसके ऊपर आपने लिखा था 91 से लेके 110 तक सामान्य बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंसी रहेगी। पूरा लिस्ट बताइए साथ में, क्योंकि ये एकदम रटा हुआ रहना जरूरी है, एग्जाम में लिख के ले लो, इस पर प्रश्न आएगा, जो पता है आएगा, उसको कैसे छोड़ना है भाई। फिर आपने पढ़ा था कहां से कहां तक था, 81 से लेकर क्या था, बिलो एवरेज मतलब अल्प बुद्धि, क्या आया था, अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि, दोनों लो, अल्प बुद्धि नीचे है क्या, ठीक है ना, अल्प बुद्धि नीचे है, उसको नीचे कर दीजिए। देखो यही तो होता है, पढ़े रहो फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, नहीं हो रही है? चलिए, आपको लग रहा है कि नहीं, आप नहीं कंफ्यूज होंगे, मैं 4 बार पढ़ा है, मैं भी कंफ्यूज हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है, आप इसका ये अर्थ नहीं है, आप तुलना मत करने लगे, सर का बुद्धि कम है। मान सकते हैं भाई, है कम, आप लोग की संगति का असर है। चलिए उसके बाद बताइए, 71 से लेकर अगर 80 में जाऊंगा, इधर कौन आएगा, अल्प बुद्धि। रटी हुई चीजों का बुद्धि को पैरामीटर नहीं बनाना बनाना चाहिए।
70 के नीचे उतर जाते हैं ना तो सीधे, हट जा, हट ही नहीं रहा भैया। बिलो 70 अगर रहेगा हमारा तो भैया ये है सर मूर्ख बुद्धि या जड़ बुद्धि। चलिए सारे डाटा आपके सामने क्लियर है, इसमें कौन सा आएगा सर? पूछा गया बालक सामान्य बुद्धि का है, तो सामान्य बुद्धि का बालक 90 से 109 या 91 से 110 ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अगला सवाल। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखेंगे। भैया कौन सा मानसिक रूप से न्यूनतम, सबसे बिलो रेंज में कौन आएंगे? 70 से भी नीचे वाले जड़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि के नाम से जाने जाएंगे। अगला सवाल, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों के प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? मंद बुद्धि 70 से 80 वाले। ठीक है, अगला, टर्मन के अनुसार 90 से 100 क्या है? सच्ची में पक्का? वह 90 से 110 थे ना, बोलो तो। तो भैया 90 से 110 में 90 से 100 भी तो शामिल, और कंफ्यूज करके 90 से 95 भी दे दे तो भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये लोग क्या हो जाएंगे? जनरल इंटेलिजेंस वाले लोग रहेंगे। ठीक है, अगला, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डन ने, शोनेल ने, बटन हॉल ने या सीरियल बर्ड ने? तो जवाब होगा सर, याद रखेंगे, सीरियल बर्ड। क्या रहेगा सर? सीरियल बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर रहा है आजकल, एक दो एग्जामों में देखा गया है। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे, सीरियल बर्ड। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु, देखिए सर मेंटल एज कितना है, न्यूमेरिकल आ गया है, मेंटल एज है 12 इयर्स का, और इसका जो रियल एज है सर, ओरिजिनल एज जो है वो कितने इयर्स का है? 10 इयर्स का है। आपसे बोल रहे इसका आईक्यू क्या होगा? अब ये गणित का प्रश्न बन गया ये, तो आईक्यू क्या होगा? तो हमको पता है सर, ये मेंटल एज अपॉन क्या होता है, रियल एज इनटू 100 करना है, तो मेंटल एज है 12, नीचे में आया 10 गुणा 100, तो देखोगे तो भैया नीचे का 10 और ऊपर का 100 का एक एक जीरो कैंसल, तो 12 गुणा 10 बचा, बोले तो 120, मतलब लड़का कैसा है? सुपीरियर है। कैसा है? ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये बढ़िया क्वेश्चन है, वैरायटी में चेंजेस आ रही है अभी। क्या सवाल पूछा गया है? अपने से भी तो बना लो, चलो कलम चलाओ, खुद से कलम चलाइए, आंसर लेकर आइए। 16 वर्ष का बच्चा है तो ये उसकी क्या दे रखी है? रियल एज। फिर बोल रहा है कि इसका आईक्यू 75 आया, तो आपसे पूछ रहा है इसका मेंटल एज क्या होगा, निकालो जल्दी। मेंटल एज क्या आएगा जल्दी बता दो। हेलो, हाँ 12:30, 12:30, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, बनना सबका जी। IQ इक्वल्स टू हमने पढ़ा है मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100। इस बार रियल एज अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो था 16 साल, और आपको IQ की वैल्यू दी हुई है 75। तो आप डाटा यहाँ पर लाके सेट कर दीजिए सर, तो मैं सेट करता हूँ, तो IQ की जगह पे 75 इक्वल टू मेंटल एज अपने को लाना है, मानसिक बुद्धि, और रियल एज 16 है गुणा 100। तो दोस्तों अगर मुझे ये मेंटल एज चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, ये 16 इस 75 में जाके गुणा कर जाएगा, और नीचे में देखो तो ये 100 आ जाएगा। अब 25 का पहाड़ा सीधे पढ़ देता हूं मैं, 25 3 75, 25 4 100, फिर 4 से 4 6 16, तो हमें मिल रहा है 4 गुणा 3 कई साल, 12 साल। सीजी टेट जितने लोग दिलाने वाले हो, मैं प्रमाणित रूप से बोलता हूँ, एक सवाल रहेगा, पक्का रहेगा। पिछली बार में भी था, 2020 में भी था, 19 में भी था, सब में था। ठीक है, रहेगा ही रहेगा। अगला,
यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल है और वास्तविक उम्र 4 साल है तो बच्चे का IQ बताएं सर। तो भैया मेंटल एज कितना है? 5 साल। रियल एज कितना है? 4 साल। IQ इज रेशियो ऑफ मेंटल एज अपॉन में रियल एज इनटू 100। तो ये हो गया 5/4 × 100। ये 25 में कट गया, तो 25 × 5 हमें मिला 125। उसकी IQ वैल्यू कितनी है? 125, विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत सरल हो रहा है आपके क्वेश्चन। अगला सवाल फिर से एक न्यूमेरिकल है, स्वयं से ट्राई करें दोस्तों, जल्दी से बना के बताएं। एक बालक की वास्तविक आयु कितनी दी है? 12 साल। और मानसिक आयु फिर से कितनी दे रखी है? 15 साल। तो अपन क्या करेंगे, 15/12 ये मेंटल एज है, ये रियल एज है, अब गुणा कर देंगे इसमें 100 का, ये आपकी IQ मिलेगी। तो फिर से ये क्या हो जा रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15, वही 5/4 × 100, मतलब आंसर अभी पिछले क्वेश्चन के जैसे 125 आ जाएगा। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, IQ कितना होगा? सर 12/10 × अब तो सीधे सीधे बना लोगे ना, तो आप देखो ये कैंसल हुआ, 12 × 10 आंसर आ गया 120। कोई डाउट तो नहीं जा रहा है, भर भर के MCQ हो गया हमारा। 5 वर्ष के मोहन की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, सॉरी मानसिक आयु 8 वर्ष है, मेंटल एज 8 साल, रियल एज मोहन 5 साल का है। तो आप बोलोगे सर 8/5 × 100 करना पड़ेगा, क्योंकि IQ जो होता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि एकदम दिमाग में ठुसा जाए। तो जो मोहन है, ये देखो 20 से चट कट गया, तो जो मोहन है ससुरा एकदम प्रतिभाशाली निकल गया यार। मोहन क्या निकल गया, इस अर्थ पे सबसे हाई IQ पर्सन किसे माना गया? ही वॉज द अल्बर्ट आइंस्टीन, IQ लिमिट 162। बट रशिया में एक और लड़की मिली, 163 तक भी लोग मिल चुके हैं। बट वही बात है कि आइंस्टीन के पास हाई IQ था और उसने काम भी वैसे किए, है ना। आइजेक न्यूटन वाज 159, दुनिया का दूसरा सबसे, पर ये जो आइंस्टीन और न्यूटन ने जो किया, हो सकता है किसी के पास 163 बुद्धि है, 164 बुद्धि है, हमारे क्लास में कोई ऐसा अद्वितीय अनोखा बैठा हुआ होगा, बट वो काम नहीं कर रहे ना जो न्यूटन और आइंस्टीन ने करके दिखाया। तो ये हमारे यहाँ तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा वो है, क्या बोलना चाहिए, डिस्टॉर्शन है, विकृति है, कि हाई IQ वाला जो पर्सन भी रहेगा वो भी एक ही चीज के लिए मरते रहेगा, अपनी मानसिक बुद्धि के आधार पे वो नौकरी खोजते रहेगा। जैसे किसी बच्चे एकदम एक्सट्रीम लेवल ब्रिलियंट है, IIT ग्रेजुएट हो रहा है, फिर भी उसको क्या करना है, सरकारी नौकरी, और UPSC फाइट करेगा। जो उससे कम बुद्धि वाले हैं PSC फाइट करेंगे, और कम बुद्धि वाले व्यापम में जाएंगे। तो हम अपने हिसाब के हिसाब से ना अपना क्लासिफिकेशन बांट लिए हैं, पर मुद्दा यही है कि जाना हमको कहाँ है, सरकारी नौकरी, क्योंकि हिंदुस्तान में पैसे से ज्यादा प्रतिष्ठा मायने रखती है। प्रतिष्ठा तो इतनी मायने होती है कि बाप सगे बेटे को गोली मार दे, नहीं जाके हरियाणा में केस देखो एक से एक, ठीक है। प्रतिष्ठा यहाँ इतनी ज्यादा हावी है, और उससे ना कंट्री का ग्रोथ ना डैमेज होता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है और वो अभी IIT में है भी, और मैं जान रहा हूँ उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता सुपीरियर है। तो मैंने उसके फादर से ऐसे बोला भी कि क्योंकि उसकी मेमोरी कैचिंग पावर भी बहुत यूनिक है ना, स्पीड तो है, तब तो IIT में है। तो मैं बोला कि सर लड़का बॉर्न टू बी IAS है, मतलब मैं जान रहा हूँ कि एक दो अटेम्प्ट और लड़का पक्का UPSC में IAS क्रैक कर लेगा। पर उसके फादर ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला नहीं, वो अभी रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च के फील्ड में ही आगे जाएगा। तो अपने जैसे अपन मानसिकता वाले बुद्धि वाले लोग रहते हैं, बुरा लगता है नहीं, IAS को छोड़ के रिसर्च करेगा। फिर बाद में समझने पे आया ना, तो मैं समझा कि यार वो ज्यादा बड़ा काम है, एक कलेक्टर ज्यादा अच्छा था कि अब्दुल कलाम ज्यादा अच्छे माने जाएंगे, 10 कलेक्टर से तो बड़ा अब्दुल कलाम होंगे ना, ठीक है।
तो वो लड़का इंडिया के लिए रिसर्च करे या कहीं के लिए भी करे, दुनिया को आगे बढ़ाए, ठीक है। अब तुम लोग मेरी बातों को एकदम सीरियस मत ले लेना सर, आज से पढ़ाई छोड़ रहा हूं मैं, और रिसर्च भी नहीं कर पाओगे, कहाँ जाओगे फिर? घर वाले तुमको वैज्ञानिक बोल के घर से पागल करार देके निकाल देंगे, तुम्हारे अंदर तुम वैज्ञानिक हो, घर वालों के हिसाब से बेरोजगार हो। चलिए आज के लिए इसको खत्म करते हैं, तो ये पूरे 24-25 क्वेश्चन हो गए हमारे। कई बार मगर मन में ये आता होगा ना, जब आप लोग 12th और 13th वाले क्लास में होंगे, तो मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ, ये मेरे किस काम का आएगा। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, छोड़िएगा मत, पहले नौकरी ले लो, बाद में सोचते रहेंगे क्या करना है नहीं करना है।